lo probamos. Me da papel y dice, lo frida. Lo frida. Ay, lo voy a la cu. Voy a... ¿Puede soda lo de mí? ¿Sí? Soda y lo de mí. ¿Cómo? ¿Y la cola? हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? सुबह हो गई है, रात को थोड़ा लेट ही सोई थी मैं, काम करते करते देर हो गई, फिर मैं सो गई है। फिर मैं उठी, मैं उठी तो ना मैंने ना जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाई, और फिर मेरा था कि मैं ना कपड़े चेंज कर लूँ। मैं एच ओ रूम में गई, वहाँ एक एम ओ ने ना नॉक की, मुझे लगा एच ओ ही हो गई कोई, तो खोल दी, कोई बात नहीं, क्लास फेल हो गया ना या एक्स क्लास फेल। मैं खोला, कोई एक औरत थी, ठीक है, तो घुसी चली जाए अंदर, चढ़ गई, एसी ऑन कर दिया। मैं लिटरली अभी एंटर ही हुई थी रूम में, ठीक है, आके ना बैठ गई और कहती आप एमओ। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ तो एचओ हो, लेकिन आपसे ज़्यादा तमीज़ है मेरे अंदर। मैंने कहा मेरा एमओ से ज़्यादा तमीज़ है मेरे अंदर, ठीक है। और ये कह के ना मैं वहाँ से आ गई। मैंने कहा अजीब नज़र आ रहा है कि मैं कपड़े पकड़ के खड़ी हूँ, मैंने कपड़े चेंज करने हैं, आप पथेटिक लोग हैं यहाँ पे। फिर मैं नीचे आई, मैंने तो नीचे आई, फिर अपने डिपार्टमेंट में आ गई। यहाँ पे आई तो एक एपी खड़ी थी, शी इज़ वेरी, यार बहुत तंग करती हैं वो, है एक एक्टिव लेबरिंग पेशेंट थी। कहती कि ना बताओ कितने सेंटीमीटर है ये। मैं कहा मैं अभी सो के आई हूँ। कहती लेबरिंग के साथ, एक्टिव लेबरिंग के साथ तो सोना ही नहीं होता, लेबरिंग के साथ रहना होता है। ये भी स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग का ना, तो खैर फिर है। मैंने उसकी पेल्वी की, मैं देखा कि यार ये तो फुली हुई हुई है, थोड़ी सी रिम रह गया उसका, तो हेड डिसेंड होने वाला है वगैरह वगैरह, बट तो थोड़ा मेस था वहाँ पे। उसको क्लीन कराया, शिफ्ट कराया, फिर मैं देखा, मैम कहती करनी है, मैं कहा हाँ मैम करनी है, ठीक है। तो फिर मैं उसकी एस वी डी की, स्टिचेस रिपेयर किए। रात को फड्डे वाली एमओ की ड्यूटी थी, इसलिए फिर मैं गाई भी रही ज़्यादातर। मैं कहा मैं तो नहीं आऊँगी, कोई काम होगा तो आऊँगी। और दूसरी वाली अच्छी थी, मैंने उनको आगे बताया कि मेरा इनसे ये मसला है, तो मुझे तो दूरी रखे हैं इनसे, ठीक है। सुबह ना बड़े मजे से आई, मुझे पता नहीं इस डैश डॉक्टर ना, पता नहीं इस डॉक्टर को ढूंढ रही हैं, तो इधर आओ। मैं कहा मैं वॉशअप हूँ, मैं गाउन पहना हुआ है, मैं बेबी डिलीवर कराने लगी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है, और ख़ुद करना है जो काम करना है अपना। जी है, दूसरी डॉक्टर कही थी कि बात कर लो, बिला वजह ऐसे ही बुरा दिल में रखोगी, ये है वो है। मैं क्या करूँगी, अजीब है वो। सो या अब मैं देख रही हूँ कि बस घर जाऊँ मैं, और बारिश का मौसम हुआ था, देख के आती हूँ क्या कैसे कैसा मौसम हो रहा बाहर। एस वी डी की, स्टिचेस रिपेयर किए, और क्या किया। खैर वो बच्चा अच्छे से डिलीवर हो गया, तो मैं काम खुल कर गए के बैठी। मैंने कल का खाना खाया था, रात को हम लोगों ने मिलके खाना खा लिया था, पीड्स की ओपीडी में चली गई थी मैं, तो हम लोगों ने मिलके खाना खाया हुआ। खाना अभी तक मेरा लाइक लिटरली पेट में पड़ा है, कोई हजम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, बस मैं चाय पी। और ना मजे की बात ये हुई कि ना रात को मैं गई ना पीड्स की ओपीडी, यहाँ वेली थी मैं, अपना काम करके ना पीड्स की ओपीडी में चली गई ना, एमरजेंसी में चली गई बल्कि। तो बच्चे मुझे फैसिनेट कर रहे थे आजकल, बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं वहाँ चली गई।
अच्छा मैं ना अपने डिपार्टमेंट में मशहूर हूँ कि मैं बहुत हैवी फुटेड हूँ, लाइक मैं अगर ड्यूटी पे हूँ ना तो पेशेंट्स आए जाएंगे और अजीब व गरीब ओखे प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स आते रहेंगे, ठीक है। सो यही हुआ। अच्छा अब मैं ना पीड़ हाँ मेरी मॉर्निंग इस हिसाब की गुजरी थी कि हाँ आई एम हैवी फुटेड। अच्छा मैं पीड़ में गई उफल्ला, देखते ही देखते बिल्कुल काम चल रहा था, एक आधा पेशेंट आता था 5-10 मिनट के बाद ना, तो जो एमओ थे ना वहाँ पे वो चले गए नर्स से और उन्होंने कहा कि ये चुको तो बैठो कोई मसला तो बुला लेना। अच्छा फिर आप देखने लग गए, मैं तो नहीं देख रही थी है, मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी कि व्हाट्स हैपनिंग। और वो ये जो कर रहे थे पेशेंट बच्चे चेक, ठीक है, और देखते 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 कहाँ इतनी लंबी लाइन लग गई वहाँ पे, इतनी लंबी लाइन, कहते जाओ खुदा खवास्ता तुम यहाँ से चली जाओ, इतनी लंबी लाइन लगवा दी है। तो मैंने कहा कि यार इसका मतलब लाइक हेंस प्रूवन कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो ना मेरी हैवी फुटेडनेस ना वो साथ जाती है। तो उन बेचारों की इतनी, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा ऐसे हुआ है यार, मैं एक दफ़ा गई हूँ तो 10 पेशेंट खड़े हो गए, फिर तो इतनी लंबी काउंटर तक लाइन लगी हुई थी अगली बारी में ना। तो खैर फिर हमने फिर वाइन खाना खाया, तुम्हारी वो क्या कहते हैं नाप बन जाएगी। वैसे बच्चा कह के तो वो करवा देना किसकी बारिश, मजे की है, सही नहाने वाली बारिश है। तेज़ बारिश है, तौबा तौबा तौबा।